फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम इस ब्लाउज को बनाना। इसका बैक नेक पहले से ही अपलोड है। आज की वीडियो में फ्रंट ब्लाउज और पूरे ब्लाउज को तैयार साइड में करेंगे। चलिए रखते हैं स्टार्ट और स्टार्ट अपना फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो इसके साथ मैंने अस्तर को अटैच कर रखा है। ये साटन का ब्लाउज है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग को हम दो फोल्ड में बिछा लेंगे और दो फोल्ड में बिछाने के बाद अब यहाँ से हम जो चौड़ाई है बॉटनेक की वो 4 इंच लेंगे, क्योंकि हमने बैक की भी 4 ही ली थी और लंबाई हम यहाँ से 4 इंच लेंगे, यानी कि 4 बाई 4 का हमारा ये बॉटनेक होगा। अब 4 की हम इसमें आगे भी डिजाइन देंगे तो इसीलिए इसमें 4 से 4.5 तक लें, उससे ज़्यादा ना लें, और हल्की सी बॉटनेक की शेप दे देंगे हम इस तरीके से। क्योंकि अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं देना चाहती हैं तो आप 5 इंच तक भी ले सकती हैं, लेकिन अगर नीचे कोई पैटर्न लगाना चाहती हैं आप तो फिर आप बॉटनेक की जो लंबाई है वो कम लें, वरना फिर गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को अलग कर देते हैं और उसके बाद ये चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग है हमारी। अब देखिए ये हमारा बॉटनेक कट के हो गया है कम्प्लीट। तो यहाँ से देखिए अब हम ये पेपर पेस्टिंग को 2 फोल्ड कर लिया है। अब 3 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे और यहाँ से इसकी जो इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब देखिए ये कोने मैंने ऐसे मिला दिए हैं और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, थोड़ा सा और कम कर लेंगे 1/2 इंच, और 2.5 इंच लंबाई होगी। और इसकी जो हमने ये वाली लेंथ ली है ये भी हमारी 3 इंच है, खुल के 6 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। अब यहाँ से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। और ये पैटर्न आप किसी भी शेप में अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो हमने ये इस तरीके से बनाया है ट्रायंगल शेप में। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया है और इसको हम प्रेस कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ये हमने देखिए इसी कपड़े पे प्रेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की साइड मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से रख के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है उसको अंदर मोड़ लेते हैं। अब सेम हम अपने गले का भी मोड़ लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और मोड़ लेंगे। अब इनका सेंटर कर लेंगे, गले का सेंटर करेंगे, पहले मोड़ेंगे इसको और फिर सेंटर में निशान लगाएंगे। ये आपको सबसे पहले लगाना होगा क्योंकि अगर डायरेक्ट आप बनाओगे तो टेढ़ा भी हो सकता है। सेम आपको इस पैटर्न में लगाना है। अब ये दोनों में तो हमारा सेंटर हो गया, सेम आपको अपने ब्लाउज़ में करना होगा। ब्लाउज़ को भी ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में ऐसे निशान लगा लेंगे लंबा, क्योंकि पैटर्न भी आएगा तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही निशान लगाएं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब सीधी साइड से निशान आपको सीधी साइड से लगाना है, ध्यान रखें। सीधी साइड को गले को उल्टा करके रख के और बस इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, यहाँ से ऐसे घुमाव देते हुए। और फिर दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से रखेंगे और ये गले बनाना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग डरते हैं कि हमसे ख़राब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए आराम से कट कर दिया, छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर इसको उल्टी साइड को मोड़ देंगे। ध्यान रखें कि ये हमने उल्टी साइड को मोड़ना है और सीधी साइड को रख के सिलना है, बस यही 2 चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लीजिए या फिर सिलाई लगा लीजिए। इसको 1 इंच छोड़ के, ये वाला पैटर्न 1 इंच छोड़ के तब हमें रखना है, ऊपर से 1 इंच छोड़ लें इसको और सेम सेंटर के निशान लगानी है। जो नीचे का चौक का निशान है और ऊपर का चौक का निशान है वो मिलना चाहिए। जैसे शेप आई है उसी शेप में हम इसको ऐसे सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से घुमाव देते हुए हम इसको पूरा सिल के और फिर जो एक्स्ट्रा अंदर है कपड़ा उसको भी आराम से कट करेंगे। तो देखिए इसको पहले से मोड़ लीजिए, फिर एक छोटा सा कट लगा लीजिए और फिर आहिस्ता से आप इस तरीके से इस कपड़े को निकाल दीजिए। तो आप इस तरीके से कोई भी पैटर्न अपने ब्लाउज़ में, कुर्ती में, कहीं पे भी बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप पहली बार भी ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ से छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको हम अंदर की साइड ऐसे मोड़ देंगे, देखिए इजीली अंदर की साइड मोड़ जाता है। अगर थोड़ा बहुत गले से बाहर निकले ये वाला पैटर्न तो उसको अंदर मोड़ दें। तो ये देखिए अच्छे से कर लिया मैंने, इसके ऊपर तुरपाई भी कर ली है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लेस लगा लूँगी। तो लेस को हमें किस तरीके से लगाना है, पहले हम पतली लेस लगाएंगे। सेम मुझे वही पैटर्न देना है जो मैंने अभी आपको बैक और बाजू का दिखाया है। तो लेस को हमें थोड़ा सा मतलब हटा के लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल किनारे के ऊपर कभी लेस को ना लगाएं। और पहले इसको हम अपने गले पे ही लगा लेंगे। तो यहाँ से गले पे लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करके अलग कर देंगे
और अब हम ये लेस को ऐसे रखेंगे। अभी पतली वाली ही लेस हम लगा रहे हैं, जो सेप है हमारी उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ से लाके। और ये जो लेस होती हैं, जब भी आप गले पे लेस लगाओ, थोड़ा पतला ही ख़रीदें उसको। ये 5 रुपये मीटर मिल जाती है, और अगर दिल्ली से या कहीं से ख़रीदोगे तो वहाँ से तो और भी सस्ती मिल जाती है। ये मैंने पुणे से ख़रीदी है, 5 रुपये मीटर। तो आपका मैक्सिमम मतलब 20-30 रुपये में आपका जो ये डिजाइनर ब्लाउज़ है एकदम अच्छे से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और ब्लाउज़ के लिए जब भी कलर ख़रीदें, ब्लू या रेड या मतलब थोड़े से डार्क कलर ख़रीदें, तब लेस का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा ब्लाउज़ बन के आता है हमारा। कभी भी लाइट कलर के ऊपर लेस वगैरह लगाते हैं तो वो दिखती नहीं है। तो ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लिया है इसका। अब हम दूसरी लेस को लगाएंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे लेंगे, मतलब 1/4 इंच का, ज़्यादा नहीं। और बस सेम मतलब घुमाना नहीं है उसको, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। देखिए यहाँ तक लाना है इसको, ठीक है। और यहाँ तक लाने के बाद इसको हम थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भर के नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे साइड कॉर्नर में, देखिए, ताकि अच्छे से डिजाइन दिखे। क्योंकि अगर मैं पूरा लगा दूंगी तो फिर पता नहीं लगेगा कि ये क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग से इसको हम हट के लुक दे रहे हैं। यहाँ से इसे मोड़ लूँगी मैं, और ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, बट इसे थोड़ी सी चौड़ी है, 1/2 इंच चौड़ी है और ये 1/2 इंच से कम है, तो इसीलिए इसको भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये भी बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से लग रही है ये भी। तो आप इसी तरीके की लेस ख़रीद के, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी कलर अपने हिसाब से चूज़ करके ले सकते हो, ब्लाउज़ के मैचिंग के हिसाब से या फिर कैसे भी। तो यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे हम दूसरी साइड को, और सेम जैसे जैसे कॉर्नर आ रहे हैं ऐसे ही लगाना है। देखिए मैंने पूरे पे लगा ली है, और ये पतली वाली भी मैंने सेम लगा ली है। अब आप चाहें तो, आपको लग रहा है तो ये पूरा भर सकती हैं, बट ये ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी प्लेटें डाल लूँगी, ये मैंने जो कल निशान लगाए थे इनको मैं डाल लूँगी। तो प्लेट डाल गई हैं, अब इनका शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये बैक पार्ट को और फ्रंट को दोनों को रख के और शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो देखिए शोल्डर जुड़ गया है, अब देखिए इस तरीके से ही ब्लाउज़ हमारा दिखाई देगा। ये फ्रंट का है और ये बैक का है। अब हम बाजू लगा लेते हैं, तो बाजू जैसे हमने दिखाई थी, बाजू के ऊपर भी हमने 3 कलर की लेस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और लगा लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से बाजू हमारी लग के आई है, तो आप देख ही सकती हैं ब्लाउज़ बहुत अच्छे से बन के कम्प्लीट हुआ है। अब हम इसको नीचे वाले जो हमारा इसका बॉटम का हिस्सा है उसको फिनिशिंग कर लेंगे, इसको फिनिशिंग दे लेंगे। तो हमने एक पट्टी लेके और उसको अंदर की साइड मोड़ देना है, लेकिन ध्यान रखें बैक और फ्रंट को अच्छे से बराबर करके ही। अब इसमें फ़िटिंग कर लेते हैं, फ़िटिंग बहुत ईजी है, आप किसी पुरानी ब्लाउज से कर लीजिए या किसी पुरानी कुर्ती से कर लीजिए। तो बस नीचे तक एकदम बराबर आने चाहिए ये पार्ट, तो देख सकती हैं आप बिल्कुल बराबर हैं ये। अच्छे से यहाँ से फिनिशिंग दे के दूसरी साइड से फिटिंग करेंगे इसकी, और ये देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही इजी तरीके से फिटिंग हो रही है। तो ब्लाउज़, और ये इस तरीके के ब्लाउज़ सिलने का एक फ़ायदा और है कि कभी भी लूज टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सीधी सिलाई होती है। अब अंदर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ के फिनिशिंग दे लीजिए, तो बन के हो गया ना ब्लाउज़ कम्प्लीट। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ब्लाउज़ बन के आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। तो करवा चौथ के लिए बनाइए और पहनिए, और मुझे बताइए कैसा लगा है। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।